प्रशांत किशोर ने MY समीकरण, जातीयवाद मंडल कमीशन और 1990 से लेकर आज तक बिहार के विकास की खोली पोल। बिहार के बेगूसराय में जन सुजान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 1990 से लेकर आज तक बिहार के विकास की पोल खोली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि MY समीकरण, जातीयवाद और मंडली कमीशन, ये सारी बातें 1989 से 1990 से शुरू हुई है, जिसको आज 32 साल हो गए हैं। अलग फॉर्मेशन में बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरे समाज ने ये देखा कि इन सारे प्रयोग के बावजूद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, MY समीकरण के बाद, सामाजिक विषमता के नाम पर राजनीति करने के बाद भी 1990 में भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य था। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। ऐसे में बिहार का उत्थान कहाँ हुआ? बिहार में नेताओं का उत्थान हुआ, उस विचारधारा का झंडा लेकर चलने वालों का उत्थान हुआ, समाज का उत्थान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अपने भाषणों की शुरुआत ही इस बात से करता हूँ कि आप इस पर अपना समय और दिमाग व्यर्थ जाया करते हैं कि बिहार की स्थिति किसने खराब की, लालू ने या नीतीश कुमार ने या कांग्रेस ने। मैं कहता हूं कि जिन नेता, जिन दल ने बिहार में काम किया, अगर उन्होंने सही काम किया होता तो 40 वर्षों तक कांग्रेस ने सही काम किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय का काम कर दिया, गरीबों वंचितों की आवाज और अधिकार दे दिया। ये भी मान लीजिए कि भाजपा और नीतीश की सरकार ने बिहार के लोगों को सड़क और बिजली के क्षेत्र में भी सुधार दिया। इन सारे लोगों के कामों को और दावों को आप सही मान भी लीजिए तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं। पहले पंजाब और हरियाणा जाते थे, अब गुजरात और तमिलनाडु जा रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो 1990 में थी आज भी खराब है। तो आपके बच्चे के शिक्षा की स्थिति सुधरी नहीं, रोजगार की स्थिति सुधरी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा नहीं, नई फैक्ट्री लगी नहीं, लोगों की आय बढ़ी नहीं, कृषि में कोई सुधार नहीं दिखा। तो आप चाहे जिस नेता, जिस झंडा का प्रचार कर लीजिए, बिहार का तो सुधार हुआ ही नहीं। तो समाज के लोगों को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, उसे सुधारने का प्रयास करना होगा। मेरे भाई ऐसा है, सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना भाई, आप इतने सीधे, आप और हम भी नहीं हैं कि आप इतना इनोसेंटली कह रहे हैं कि हम लोग जिता रहे हैं और विधायक घूस ले रहा है। जब आप विधायक चुन रहे हैं तो एक बार आपको विधायक बेवकूफ बना दिया, दो बार विधायक बेवकूफ बना दिया, वो पिछले 50 वर्ष से आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है? जहां पर लोग एक, सुनिए, आपने सवाल पूछा, सवाल जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पेपर मिल बंद है, पेपर मिल आपके यहाँ बंद है, पेपर मिल आज से तो बंद है नहीं, 50 साल से बंद है। उसके बाद भी वही सांसद, वही व्यक्ति, वही दल, वही व्यक्ति बार बार कैसे जीत कर आ रहा है? उसको बस ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है तो वही नया विकल्प, नया ऑप्शन बनाने का प्रयास है, ताकि आपको मजबूरी में गलत लोगों को वोट न देना पड़े। आपको विधायक बेवकूफ नहीं बना रहा है, आप और हम या तो खुद से बेवकूफ बन रहे हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, 500 रुपया के लालच में, या फिर मजबूरी में हमें बेवकूफ बनना पड़ रहा है।